ये तो आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर एक्सीडेंट शराब पीने वालों की वजह से ही होते हैं। ऐसे में अगर एक्सीडेंट कोई हो और उसमें शराब पीने वाले शराबी को कोई नुकसान हो जाए तो इतना दुख नहीं होता। वहीं उस शराबी की वजह से बेगुनाह बेकसूर लोगों को जो नुकसान पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। तो अब इसी समस्या के समाधान के लिए पूरे वर्ल्ड की कार मेकिंग कंपनीज लगी हुई हैं। वो ऐसी एंटी ड्रग टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही हैं अपनी कार में, जिससे कि कोई भी अगर शराबी कार चलाने की कोशिश करता है तो कार चलना तो दूर स्टार्ट भी नहीं होगी। कार के सेंसर्स पहचान लेंगे कि व्यक्ति ने शराब पी रखी है, जिसकी की वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। और गाइस, इस चीज़ को हर देश की गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। वैसे गाइस, अगर अपने देश में भी इस तरह के व्हीकल्स आने लगें तो क्या आपके हिसाब से रोड पर एक्सीडेंट की संख्या घट जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जहाँ पर एक तरफ लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो पा रही, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना अंधाधुंध पैसा है कि वो सोचते हैं कि इस पैसे को कहाँ खर्च किया जाए। और ऐसे ही लोगों के लिए रूस की लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी कैवियर ने एक नई तरह के खास मोबाइल लॉन्च किए हैं। दरअसल इसके लिए कैवियर ने एप्पल से 7 आईफोन 13 प्रो को ख़रीदा है, और उन आईफोन 13 प्रो में एप्पल ने 80 मिलियन ईयर्स पुराने डायनासोर के एक दांत के टुकड़े करके लगाए हुए हैं, और उसके अलावा इन आईफोन्स को मॉडिफाइड करके डायनासोर की थीम में भी बना रखा है। और गाइज, इन मोबाइल्स के प्राइस कैबियर ने 6,70,000 रुपये प्रति मोबाइल रखे हैं। वैसे इतने महंगे मोबाइल बिक जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज आधुनिकता की दौड़ में इंसान इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है कि वो प्रकृति को किसी भी तरह के नुकसान पहुँचाने से भी पीछे नहीं हटता, जिसकी वजह से कि पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में टोबोकू देश के विदेश मंत्री ने समुद्र के पानी में खड़े होकर लोगों से अपील की कि इस चीज़ को वो रोकें, नहीं तो उनका देश पानी में डूब जाएगा। दरअसल टोबोकू एक द्वीप है और वो लगातार पानी में धीरे धीरे डूबता जा रहा है ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, और अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2099 तक ये देश पूरी तरह डूबकर ख़त्म हो जाएगा। वैसे गाइस, अपने देश के भी समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं वो समुद्र का पानी ऊपर उठने से ज़रूर उसकी चपेट में आएंगे, तब स्थितियाँ क्या होंगी एक बार सोचना ज़रूर। हर माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी कंपनी के महंगे से महंगे प्रोडक्ट ला कर दे, ताकि उसका बच्चा स्वस्थ रह सके। लेकिन तब क्या हो जब यही महंगी कंपनीज आपके साथ धोखा करने लगें? ऐसा ही कुछ हो रहा है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ। इस कंपनी पर 22 महिलाओं ने केस किया है कि उनके पाउडर के इस्तेमाल की वजह से उनके बच्चों में कैंसर फैल रहा है, जिनमें से के 6 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। और जब कोर्ट में ये केस गया और कोर्ट ने इसकी जाँच की तो पाया ये सत्य है, और इसी वजह से कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को आदेश दिया है कि उन महिलाओं को 890 करोड़ का मुआवजा वो दे। वैसे गाइस, जॉनसन जॉनसन पर अभी 9000 केस और चल रहे हैं। ऐसे में कंपनी का जो होगा सो होगा, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा एक बार सोचना ज़रूर। हम लोग खाना खाते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, लेकिन आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद हमको सुस्ती आने लगती है, और वो भी थोड़ी बहुत देर नहीं, लगभग आधे घंटे तक के लिए। तो दरअसल हम खाने में ज़्यादातर नॉन लिविंग सेल्स को खाते हैं, जैसे कि रोटी है, चावल है, पकी हुई सब्जियां हैं, जिनको कि खाने की वजह से जब वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो खाना हमारी बॉडी की एनर्जी को चूसता है, ताकि वो खाना पच सके, और पचने के बाद वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। वहीं पर अगर आप लिविंग सेल्स को खाते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स को खाते हैं या फिर आप सैलेड को खाते हैं, स्प्राउट को खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलने लगती है, सुस्ती नहीं आती। एक चीज़ आप टेस्ट करके देखना, आप कितने भी फ्रूट खा लेना, आपको सुस्ती नहीं आएगी। तो गाइस, अच्छी सेहत के लिए अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज़रूर शामिल कीजिए।